Hello everyone, I welcome you all again back to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6th. In this presentation, we'll be covering Chapter 1, Knowing Our Numbers. We first understand the concepts that are related to Exercise 1.3 and then we'll move on to do the questions that are there in Exercise 1.3. The very first concept that we need to understand in this presentation is the concept of estimation. Estimation ka kya matlab hota hai? Estimation ka matlab hota hai ek andaza lagana, ek approximation lagana. Wo andaza, it is not equal to the value or the exact number, jabki wo ek aisi value hoti hai jo uske aas paas lie karti hai. Estimation refers to an approximation or rounding off. Ise approximation bhi kehte hain aur rounding off bhi kehte hain. It gives an idea of the quantity which is not an exact number but something around it. Estimation एक ऐसी value हमें निकाल कर देता है जो कि उस number के exactly equal नहीं है लेकिन उसके आसपास lie करती है. We can round off to the nearest tens, hundreds and thousands. So in this presentation जो तीन कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ के टू द नियरेस्ट टेंस टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स. वन बाय वन वी लर्न सर्टेन स्टेप्स एज टू हाउ वी कैन एस्टिमेट अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वी हैव सर्टेन स्टेप्स दैट आर नीडेड टू बी फॉलोड ताकि हम अपने डिजायर्ड आंसर तक पहुंच सके. नंबर वन, वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बाय फर्स्ट लुकिंग एट द डिजिट दैट इज एट द वन्स प्लेस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं किसी नंबर को टू द नियरेस्ट टेंस जो डिजिट पे हमें फोकस रखना होता है वो रखना होता है वन्स प्लेस की डिजिट पे. नंबर टू, इफ द डिजिट एट वन्स प्लेस इज वन टू थ्री और फोर. जब हम एस्टिमेट करते हैं टू एनी ऑफ द नंबर वेदर इट बी नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हर एक कंसेप्ट में हमारे पास दो केसेस हैं. सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस का पहला केस देखते हैं. सिंस हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था दैट इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस हमें वन्स प्लेस पे फोकस रखना होता है. इफ द डिजिट एट वन्स प्लेस इज वन टू थ्री और फोर, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें हमारे गिवन नंबर में जो वन्स प्लेस पे डिजिट है वो लेस देन और इक्वल टू फोर है, देन टू थिंग्स आर देयर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड एंड फॉलो. नंबर वन, द सक्सीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम. सबसे पहले चीज जो हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर वन्स प्लेस पे कोई ऐसा नंबर है दैट इज लेस देन इक्वल टू फोर तो जो उसकी सक्सीडिंग डिजिट होगी वो सेम रहेगी. अब वन्स प्लेस की सक्सीडिंग डिजिट कौन सी होगी? यानी वन्स प्लेस के बाद क्या आता है? टेंस आता है. सो द सक्सीडिंग डिजिट ऑफ वन्स प्लेस विल बी टेंस. नंबर टू और द नंबर सेकंड थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज द डिजिट एट वन्स प्लेस चेंजेस टू जीरो. ये दूसरी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हमने देखा कि वन्स प्लेस की डिजिट पे कोई ऐसा नंबर है दैट इज लेस देन इक्वल टू फोर तो जो उसकी सक्सीडिंग डिजिट है दैट इज द डिजिट एट द टेंस प्लेस विल रिमेन द सेम. नंबर टू, जो वन्स प्लेस की डिजिट है जिसपे हमने फोकस रखा था इट विल चेंज टू जीरो. फॉर इंस्टेंस अगर हमें 12 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस तो हम सबसे पहले कौन सी डिजिट को देखेंगे? द डिजिट दैट लाइज एट द वन्स प्लेस. यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट टू इज अ नंबर दैट इज लेस देन इक्वल टू फोर. तो फॉलोइंग द स्टेप्स जो सबसे पहली चीज हमारी होगी वो क्या होगी कि जो उसका सक्सीडिंग नंबर है वो सेम रहेगा
दैट इज वन वन ही रहेगा एंड टू विल चेंज टू जीरो. Therefore, when we round off 12 to the nearest tens, we get the number or the answer as 10. इसी concept में एक second case भी आ जाता है. It is quite possible कि जो ones place की digit है जिसपे हमारा focus होना चाहिए उस पर कोई ऐसा digit हो जो कि greater than 4 हो. Greater than 4 का क्या मतलब है? हो सकता है वो 5 हो सकता है 6 हो, could be 7, could be 8 or could be 9 as well. इस केस में भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. नंबर वन, अगर ऐसा होता है then we add 1 to the succeeding digit. That means कि अगर ones place पे कोई ऐसा digit lie करता है that is greater than 4, so the first thing that we need to do is कि जो उसकी succeeding digit है that is the digit at the tens place पे हम वन एड कर देते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो वंस प्लेस पे डिजिट होगी इट विल चेंज टू जीरो. दिस स्टेप इज सिमिलर टू द स्टेप ऑफ द प्रीवियस केस. जो हमें मेन ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो सक्सीडिंग डिजिट होगी हम उसमें वन एड कर देंगे अगर वंस प्लेस की डिजिट ग्रेटर देन 4 है, और अगर वंस प्लेस की डिजिट लेस देन इक्वल टू 4 है तो सक्सीडिंग डिजिट को हम नहीं छेड़ेंगे, इट विल रिमेन द सेम. जो सेकंड केस है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हमें 16 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस तो हम सबसे पहले कौन से डिजिट पे अपना फोकस रखेंगे? वंस डिजिट पे. We can clearly see that the digit at the ones place is greater than 4 because it is 6. So, जो उसकी successive digit होगी या succeeding digit होगी उसमें हम 1 add कर देंगे. So, hence 1 में अगर हम 1 add कर देते हैं it will become 2 और जो पीछे की digits रह जाएंगी they will be turned into 0. Therefore, 16 is rounded off to 20 when we round it off to the nearest tens. If you follow these steps in order to estimate or find your answer, you will never get your answer wrong. Next, up is slide mein we learn how to estimate a number to the nearest hundreds. तीनों कंसेप्ट्स में जो स्टेप्स हैं दे आर समवॉट सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. व्हाट इज दैट वन थिंग? कि जो हमारा फोकस या डिजिट है या जो हमारा डिजिट है जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए इट कीप्स ऑन वेरिंग और इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय फर्स्ट looking at the digit that is at the tens place. तो जब भी हम किसी number को round off करते हैं to the nearest hundreds, हमारा focus किस digit पे होना चाहिए? Tens digit पे होना चाहिए. If the digit at tens place is 1, 2, 3, or 4, now this is somewhat similar to the previous one, बस हमारा जो focus digit है वो change हो चुका है, वो tens बन चुका है. तो ये वाला स्टेप कहता है कि अगर टेंस प्लेस पे कोई ऐसा डिजिट है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 देन अगेन टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज द सक्सीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम. अब की बार जो टेंस की सक्सीडिंग डिजिट होगी वो होगी 100. लास्ट केस में जो सक्सीडिंग डिजिट थी वो वंस की सक्सीडिंग डिजिट थी इसीलिए वो टेंस थी. अब की बार क्योंकि हमारा जो फोकस है वो टेंस की डिजिट पे है तो जो उसके सक्सीडिंग डिजिट बनेगी वो हंड्रेड्स बनेगी. तो नंबर वन इज जो हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट होगी वो सेम रहेगी एंड नंबर टू इज जो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस की डिजिट बच जाएंगी दे विल बी चेंज्ड टू जीरो. सो इन दिस केस हमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम टेंस प्लेस की डिजिट पे फोकस करते हैं इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज लेस देन इक्वल टू 4 द सक्सीडिंग डिजिट दैट इज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस रिमेन्स द सेम एंड द डिजिट एट टेंस एंड वंस प्लेस चेंजेस टू 0. एक एग्जांपल देखते हैं इसका.
कि अगर हमें 841 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हमारा फोकस किस डिजिट पे होना चाहिए? टेंस डिजिट पे होना चाहिए. वी कैन इजिली सी कि ये जो टेंस डिजिट है इट इज लेस देन इक्वल टू 4, इट इज 4 ओनली. तो जो इसकी सक्सीडिंग डिजिट होगी दैट इज 8, इट विल रिमेन द सेम. और जो उसके पीछे की दो डिजिट्स होंगी दैट इज 4 एंड 1 विल चेंज टू 0. Therefore, when we round off 841 to the nearest hundreds, we get the answer as 800. Iska second case bhi hum dekh lete hain ek bar. If the digit at tens place is 5, 6, 7, 8 or 9, iska kya matlab hua ki agar apki bar jo tens place ki digit hai wo greater than 4 है, यानी कि या तो वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है. इस केस में भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. नंबर 1, वी एड 1 टू द सक्सीडिंग डिजिट. तो जो सबसे पहले चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो उसकी सक्सीडिंग डिजिट होगी दैट इज द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस, उसमें हम क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे. सेकेंड थिंग जो हमें माइंड में रखनी है, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस केस, दैट इज जो टेंस और वंस प्लेस की डिजिट है इट विल चेंज टू 0. सो दिस स्टेप इज सिमिलर इन बोथ द केसेस, इट वाज द सेम इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट एज वेल. तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. वी नीड टू राउंड ऑफ 5750 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. तो अगर हमें इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करना है, हमारा फोकस किस डिजिट पे होना चाहिए? टेंस डिजिट पे होना चाहिए. इट इज क्लियरली विजिबल टू अस दैट दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 4, और अगर ऐसा है तो उसकी सक्सीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे 7 विल बिकम 8, दिस 5 विल बी चेंज्ड टू 0. The next number will also be changed to 0. It is already 0 though. एक point यहाँ जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि जो ये वाला 5 है इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में. Hence, हम इसको नहीं चेंज करेंगे या नहीं छेड़ेंगे. It will simply be written as it is. Therefore, when you round off 5750 to the nearest hundreds, you get the answer as 58. So this was the rule to change or estimate a number to the nearest hundreds. Now let us look at the rules and the steps that we need to follow in order to estimate a number to the nearest thousands. अब की बार जो हमारा focus होना चाहिए वो होना चाहिए hundreds place की digit पे. So लास्ट केस में जब हंड्रेड्स पे हमने एस्टिमेट किया तो हमारा फोकस टेंस प्लेस पे था. अब क्योंकि हम थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हंड्रेड्स प्लेस पे होना चाहिए. इसमें भी दो केसेस बनेंगे दैट अगर हंड्रेड्स प्लेस पे कोई ऐसी डिजिट है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4, तो जो उसकी सक्सीडिंग डिजिट होगी व्हाट विल बी द सक्सीडिंग डिजिट ऑफ हंड्रेड्स प्लेस? इट विल बी 1000. तो सक्सीडिंग डिजिट सेम रहेगी. सेकेंड थिंग, जो डिजिट है एट हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस इट विल चेंज टू 0. सो टू थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो इज नंबर 1, जो सक्सीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगी, एंड नंबर 2, जो हंड्रेड्स टेंस और वंस प्लेस पे नंबर लाए करते हैं वो 0 में चेंज हो जाएंगे अगर टेंस प्लेस पे कोई ऐसी डिजिट है, सॉरी जो हंड्रेड्स प्लेस पे ऐसी डिजिट है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. 6404 को अगर हमें एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट 1000, सबसे पहले हम कौन सी डिजिट पे फोकस रखेंगे? हंड्रेड्स डिजिट पे फोकस रखेंगे. वी कैन इजिली सी कि जो हंड्रेड्स डिजिट है इट इज लेस देन इक्वल टू 4. अब क्या होगा, इसकी जो सक्सीडिंग डिजिट होगी वो सेम रहेगी, दैट इज 6 विल रिमेन द सेम, और उसके बाद की जो डिजिट्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 0. देयरफॉर व्हेन यू राउंड ऑफ 6404 टू द नियरेस्ट 1000 यू गेट द आंसर एज 6000. दिस वाज द फर्स्ट केस. लेट्स मूव टू द सेकंड केस नाउ. सेकंड केस इज समवट सिमिलर टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स.
If the digit at hundreds place is 5, 6, 7, 8 or 9, अब वो कहता है कि obviously it is quite possible कि जो hundreds place की digit है वो greater than 4 हो. इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. That firstly we'll add 1 to the succeeding digit. इसका मतलब जो thousands place पे digit लाए करेगी उसमें हम क्या कर देंगे? 1 को add कर देंगे. And the digit at hundreds, tens and ones place will change to 0. The same thing that happened in the previous case as well. अब इसका एक example देख लेते हैं. अगर हमें 2573 को round off करना है to the nearest thousands, तो हमारा focus किस digit पे होगा? हमारा focus होगा hundreds digit पे. We can easily see that this digit is greater than 4. तो जो हम step follow करेंगे करेंगे, वो क्या करेंगे? कि जो इसकी succeeding digit है, उसमें हम plus 1 कर देंगे, and the rest of the digits will be changed to 0. So when you estimate or round off 2573 to the nearest thousand, you get the answer as 3000. So this was about how to estimate a number to the nearest thousand according to both the cases. So this is it about the explanation part. अब जो भी हमने समझा है उन concepts को apply करते हुए we will solve the questions of the exercise 1.3. So let us have a look at the very first question. Estimate each of the following using general rule. अब general rule का क्या मतलब हुआ? कि हमें question ने specify नहीं करा है कि हमें कौन सी place पर round off करना है. It is us who has to judge according to the question कि हमें कौन सी place पर round off करना है. उसके लिए कुछ हमें steps mind में रखने पड़ेंगे और कुछ rules follow करने पड़ेंगे. Let us have a look at the first part. The first part is 730 plus 998. So let me explain to you first कि हम कैसे जज करेंगे कि कौन से नंबर को किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है. Considering the first part जिसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है हमारे पास 730 और जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो है 998. अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग जब हम राउंड ऑफ करते हैं एक नंबर को, दैट नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द ग्रेटेस्ट प्लेस. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट प्लेस? कि जिस जो नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है हम उसी प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हैं. या सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो प्लेस वैल्यू होती है, दैट इज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर, we round off that number to that particular place according to the general rule. अब इन numbers को consider करते हैं. 730 में जो highest place value है वो है hundreds. तो हम 730 को general rule के according कौन सी place पे round off करेंगे? Hundreds place पे round off करेंगे. Similarly, अगर मैं दूसरे number को देखूं, that is 998. इस केस में भी जो हमारी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो है हंड्रेड्स की, देयरफॉर इसको भी हम नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करेंगे. सो एक एक करके पहले हम दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, फिर जो हमें क्वेश्चन में ऑपरेशन दे रखा है उसे हम अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले 730 को अगर हमें टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करना है, वी नो द रूल, फोकस ऑन द डिजिट दैट इज एट द टेंस प्लेस. Since this digit is less than equal to 4, तो रूल क्या कहता था कि जो succeeding digit होगी it will remain the same और जो बाकी के digits होंगी they will be changed to 0. So this is how you round off 730 to the nearest hundreds. अब दूसरा number भी देख लेते हैं, इसको भी हमें to the nearest hundreds round off करना है. हमारा जो फोकस होगा वो टेंस डिजिट पर ही होगा. सो डिजिट एट टेंस प्लेस इज 9. वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज ग्रेटर देन 4. तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो हम जो सक्सीडिंग डिजिट होती है उसमें क्या कर देते हैं? प्लस 1 कर देते हैं. सो हियर 9 विल चेंज टू 10
और जो बाकी की डिजिट्स हैं दे विल बी चेंज्ड टू जीरो. अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में ऑपरेशन दे रखा था वो इन दोनों के बीच में अप्लाई कर देना है और अपना डिजायर्ड आंसर फाइंड कर लेना है. सो व्हाट इज 700 प्लस 1000, इट गिव्स अस 1700. सो दिस इज हाउ यू डू सच क्वेश्चंस. सो हाउ विल यू प्रोसीड, हम पहले राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू by identifying it, और फिर हम operation apply करेंगे जो question में दे रखा है. We'll do the rest of the parts in the same manner. So let us have a look at the solution now. हमने first part solve कर लिया था, जिसमें हमने round off कर दिया था और अपना final answer निकाल दिया था. Let us straight away move on to the B part now. Okay, now in this case जो हमारा number है वो है, एक है 796. So one number that we have is 796 and the other number that we have is 314. तो हमें इनको क्योंकि greatest place पे round off करना है general rule के according, इसकी जो greatest place है वो है hundreds और इसकी भी greatest place जो है वो है hundreds. इस वजह से हमने इस part को round off किया है to the nearest hundreds. हमें रूल पता है, अगर हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, वी फोकस ऑन द डिजिट दैट इज एट द टेंस प्लेस. यहाँ क्लियरली हमें नजर आ रहा है दैट द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन फोर. तो हम क्या करेंगे, जो उसकी सक्सीडिंग डिजिट है दैट इज सेवन, उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस वन कर देंगे और जो बाकी दो डिजिट बचेंगी उनको हम जीरो में चेंज कर देंगे. So when we round off 796 to the nearest hundreds, we get the answer as 800. Similarly, हम second number भी अपने ऐसे round off करेंगे. हमें 314 को round off करना है to the nearest hundreds. Again, we will focus on the digit that is at the tens place. It is one clearly, and it is less than equal to four. तो जो succeeding digit है three वो same रहेगा. और बाकी के जो डिजिट्स हैं दे विल बी चेंज्ड टू जीरो. सो हेंस वी हैव राउंडेड ऑफ बोथ द नंबर्स. अब हम अपना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज 800 माइनस 300, इट इज 500. यू डोंट नीड टू एस्टिमेट दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी द एस्टिमेटेड आंसर. लेट्स मूव टू द सी पार्ट नाउ. ओके, सी पार्ट के केस में हमारे पास जो दो नंबर्स है वो है 12,904. जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 2,888. सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं. अब यहां पर जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो है 10,000, लेकिन हमारे कोर्स में सिक्स्थ क्लास में 10,000 की राउंडिंग ऑफ नहीं है. सो इन केसेस में जब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 10,000 जाती है तो जो हम राउंड ऑफ करते हैं वो हम टू द नियरेस्ट 1000 ही करते हैं. तो इस नंबर को राउंड ऑफ कितने पे किया जाएगा, टू द नियरेस्ट 1000 पे किया जाएगा. ऑन द अदर हैंड जब दूसरा नंबर देखेंगे तो इसकी तो प्लेस वैल्यू क्लियरली 1000 पे ही जा रही है ग्रेटेस्ट, तो हम इसको टू द नियरेस्ट 1000 ही राउंड ऑफ करेंगे. How do you round off a number to the nearest thousands? We focus on the digit that is at the hundreds place. तो पहले नंबर में जो digit hundreds place पर है वो क्या है, 9. Since we know 9 is greater than 4, rule के according जो succeeding digit है that is 2, उसमें हम plus 1 कर देंगे. So 2 will be changed to 3 और पीछे के जो सारे numbers हैं that is 9, 0 and 4 will be changed to 0. अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि 1 का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा. सो 12,904 when rounded off to nearest thousands give us the answer as 13,000. दूसरा नंबर देखते हैं, it's 2,888. We will focus on the digit that is at the hundreds place. Clearly, it is also greater than 4. तो हम क्या करेंगे,
उसकी सक्सीडिंग डिजिट में वन ऐड कर देंगे और जो टू है वो क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, और जब बाकी के जो डिजिट्स हैं वो जीरो में चेंज हो जाएंगे. So when 2888 is rounded off to the nearest thousands, we get the answer as 3000. Finally, अब जो हमें operation apply करना था हम कर सकते हैं. हमें sum करना था, plus करना था. So 13000 plus 3000 gives us 16000 as the estimated sum. Let us move on to the D part now. Okay. In this case, we need to round off to the nearest thousands. Why? क्योंकि इस केस की जो highest place value है, again वो 10,000 है. इसकी 10,000 है, हम 10,000 पे round off नहीं करते हैं, हम 1,000 पे ही करेंगे. और जो second वाले की भी है, वो भी same है, उसकी भी 10,000 place value है. जब भी ऐसा होता है, we simply round off that particular number to the nearest thousands, applying the same rule. Just like we did in the previous one, we focus on the digit that is at the hundreds place. पहले number में जो hundreds place पे digit है, it is less than or equal to 4. तो जो हमारा succeeding digit है, that is 8, वो change नहीं होगा. और बाकी पीछे के जो digits हैं, they will be changed to 0. Again the same thing, क्योंकि यहाँ इस वाले 2 का कोई role नहीं है, हम उसको नहीं touch करेंगे. It will simply remain the same. So 28,292 when rounded off to nearest thousands gives us 28,000 as the answer. Ab similarly jab hum second number ko round off karenge, it is 21,496. So when we rounded off to the nearest thousands, we focus on the hundreds digit. It is clearly equal to 4. So jo uski succeeding digit hai usme koi change nahi aayega. Or this 2 will also remain the same because it's not a role. So 21,496 changes to 21,000. Now we can simply apply our operation. What is 28,000 minus 21,000? It is 7,000. It is the estimated difference. This was about the D part of the first question. Let's move on to the second question now. The second question says that we need to give a rough estimate by rounding off to the nearest hundreds and also to the nearest tens. So, इस question में हमारे पास दो parts हैं. सबसे पहला part है कि हमें पूरे question को hundreds पे भी round off करना है, और फिर second part है कि हमें पूरे question को to the tens पे भी round off करना है. And obviously, by applying the operation, we need to find out its answer as well. So let us have a look at the first question. So सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि first question में है कौन-कौन से numbers. We have 439, we have 334, and we have 4317. तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि हमें पहले हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करना है, फिर टेंस पे करना है, तो हम एक ही करके ऐसे करेंगे. सबसे पहले जब हम हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करेंगे, सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट नंबर. इट इज 439. सो वी विल फोकस ऑन द डिजिट दैट इज एट द टेंस प्लेस. क्लियरली इट इज लेस देन इक्वल टू 4. तो जो हमारी सक्सीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगी. And the rest of the digits will change to 0. Second number ke case mein bhi hum tens ki digit pe focus rakhenge, kyunki hume nearest hundreds pe round off karna hai. Clearly, it is also less than equal to 4. So succeeding digit same rahegi, aur jo piche ki do digits hain, they will be changed to 0. थर्ड नंबर जो है हमारे पास, उसमें हमने जो फोकस रखा वो अपने टेंथ डिजिट पे रखा, जो कि है 1. क्लियरली इट इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 4. सो जो हमारी सक्सीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगी. 4 को तो बिल्कुल भी नहीं हमने टच करना है, और पीछे की जो दो डिजिट्स हैं विल बी चेंज टू 0. सो वंस यू हैव एस्टिमेटेड योर नंबर्स, यू कैन सिंपली एड देम एंड फाइंड योर
answer. So what will be the answer? 400 plus 300 plus 4300, it will come out to be 5000. In the same way, agar hum tens pe bhi round off karte hain to, जब हम टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं तो जो हमारा फोकस है वो वंस प्लेस पे होना चाहिए. अब पहले नंबर में जो वंस प्लेस है इट इज 9, क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 4, तो जो हमारी सक्सीडिंग डिजिट है दैट इज 3, उसमें हम प्लस 1 कर देंगे, 9 विल बी चेंज टू 0, और जो ये वाला 4 है दिस वन, इसको हम नहीं टच करेंगे. व्हाई? बिकॉज इसका कोई रोल नहीं था. Similarly, जब हम दूसरे नंबर को कन्वर्ट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे, so we'll focus on the digit that is at the ones place. It is less than equal to 4, hence the succeeding digit है वो सेम रहेगी और जो ones place की डिजिट है will be changed to 0. Plus the third number, focusing on the ones digit, it is greater than 4, so we'll add 1 to the successive digit and hence the answer that we'll get is 4320 as the rounded off number. So, hum jab inko plus kar lenge, we'll get the final rounded off answer. Whatever answer we'll get here will obviously vary with the answer that we got in the previous part. Why? Because previous part mein humne to the nearest hundreds round off kiya tha, aur is case mein hum to the nearest tens round off kar rahe hain. So, this is how you will do rest of the parts as well. Let's have a look at the solution. हमने first part round off किया था, we even found the answer. और जब हमने round off किया to the nearest tens, तो हमारा जो answer निकल कर आया वो आया 5090. जबकि जब हमने hundreds पे round off किया था, तो वो 5000 आया था. You can easily see that the answer varies. So I guess we already discussed the first part. Let's straight away move on to the B part. बी पार्ट में हम सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे 1,08,734 को. हमें क्योंकि नियरेस्ट हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ करना है, अगेन वी फोकस ऑन दी टेंस डिजिट. 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, हेंस 7 में कोई चेंज नहीं आएगा और जो ये वाला सेट ऑफ नंबर है ये भी नहीं छेड़ा जाएगा बिकॉज इसका कोई रोल नहीं है. सो व्हेन 1,08,734 is rounded off to the nearest hundreds, we get the answer as 1,08,700. Similarly, jab hum dusra number ko round off karenge to the nearest hundreds, we focus on the digit that is at the tens place, that is 9. Abhi greater than 4 hai, isliye 5 mein hum 1 add kar denge. So the number will become 47,600. अब हम फाइनली अपना डिजायर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हमें डिफरेंस निकालना है. सो आफ्टर वी फाइंड द डिफरेंस वी गेट द आंसर एज 61,100. बी पार्ट में हमें टू द नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना था, सो वी फोकस ऑन द डिजिट दैट इज एट द वंस प्लेस, इट इज लेस देन 4, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द सक्सीडिंग डिजिट एंड दिस सेट विल ऑल्सो रिमेन द सेम. सो 1,08,734 when rounded off to nearest tens gives us 1,08,730. Similarly, जब हम next number को round off करेंगे, तो हम again ones digit पे focus करेंगे. Clearly, it is 9 greater than 4. Hence, हम उसके succeeding digit में 1 add कर देंगे, and जो बाकी का set है, वो same रहेगा. So 47,599 will change to 47,600 as the rounded off figure. Applying the desired operation, we get the answer as 61,130. That varies obviously with the previous answer. Let's move to the C part now. इसमें भी same होगा, हमें क्योंकि nearest hundreds round off करना है. We focus on this digit that is at the tens place. 2 being less than 4, succeeding digit ko kuch nahi hum chhedenge. So the rounded off figure that we get is 8300. Similarly, jab hum 491 ko round off kar rahe hain, to tens place pe hai 9, which is greater than 4. To hum isko plus 1 kar denge, and hence the
estimated number comes out to be 500. I've simply applied the rule that we had just studied in the previous slides. So applying the desired operation, we get the answer as 7800, which is the estimated difference. Similarly, we can round off to nearest tens by focusing on the digit that is at the ones place. It is 5, so we'll add 1 to the succeeding digit, and hence we get the answer as 8330. Similarly, jab hum next number dekhte hain, to hamari jo ones place pe digit hai wo 1 hai. We will not do anything with the succeeding digit, and hence the estimated number will come out to be 490, and the final estimated difference will come out 7840. The last part of this question, again, it is 489,348. Focusing on tens digit, it is 4. Nothing's going to happen to this digit, and we get the answer as 489,300. Similarly, in the same manner, we'll round off 48,365, focusing on digit 6 and getting the answer as 48,400. Estimated jab difference nikala humne in dono ke beech ka, we get the final desired estimated answer. Similarly, we'll apply the same concept in order to round off these two numbers to the nearest tens by focusing on the ones place and applying the rest of the steps as usual. Moving on to question number 3. Question number 3, estimate the following products using general rule. Again, isme bhi hame general rule apply karna hai. Isme bhi same cheez apply hogi ki jo bhi us number ki highest value jayegi on the extreme left, hum usi value pe उसे राउंड ऑफ करेंगे. लेट अस सिंपली हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बस ऑपरेशन का फर्क है. फर्स्ट ऑफ पहले क्वेश्चन में प्लस और माइनस था, हियर वी हैव द प्रोडक्ट. ओके, सो सिंस वी वर नॉट गिवन एज टू वेयर वी नीड टू राउंड इट ऑफ, तो हम उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस. तो 578 को हमने राउंड ऑफ किया है 600 पे. वाई? बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जा रही थी वो 100 जा रही थी, इसलिए हमने इसको टू द 100 राउंड ऑफ किया है. और जब हम 100 पे राउंड ऑफ करते हैं तो हम 10 डिजिट पे फोकस करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने जब इसको चेंज किया तो हमारा डिजायर्ड आंसर आ गया 600. सिमिलरली जब हमने 161 को राउंड ऑफ किया, उसकी भी हाईएस्ट वैल्यू थी 100. So by focusing on the digit that is at the tens place, it is greater than 4, we'll add 1 to the succeeding digit and get the desired rounded off number as 200. So once you've rounded off both the numbers to the greatest place, you can simply find the product and your desired answer. इस क्वेश्चन में जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. Once you identify that, you can easily apply the steps and the concept and find your desired answer. B part देख लेते हैं. इसमें भी same case है. जो पहले number की greatest place बन रही है वो 1000 बन रही है. In fact, दूसरे number की 1000 ही बन रही है. So by applying the rules of estimation to the nearest 1000 and by focusing on the digit that is at the hundreds place, हमने round off करके हमारा आंसर निकाल लिया. एंड फाइनली वी टुक आउट द प्रोडक्ट दैट कम्स आउट टू बी 1,50,00,000. सो इट वाज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज़ वी कैन सिंपली काउंट द प्लेस वैल्यूज. नाउ सी पार्ट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी टेल यू व्हाई. सबसे पहले हम दोनों नंबर्स लिख लेते हैं जो हमें सी पार्ट में दे रखे हैं. इट्स 1,291 and second number that we have is 592. अब अगर हम एक चीज देखें तो दोनों की जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो डिफरेंट है. इसकी प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स और इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स. नो प्रॉब्लम,
जो भी जिसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो उसी पे राउंड ऑफ होगा. यू विल नॉट राउंड ऑफ टू एनी अदर प्लेस. सो 1291 विल बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एंड 592 विल बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. 1291 के केस में जब हम राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 1000 हम हंड्रेड्स प्लेस पे फोकस रखेंगे. लेकिन 592 के केस में क्योंकि हम नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम टेंस प्लेस पे फोकस रखेंगे. बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है. बाकी सिंपली व्हेन यू राउंड ऑफ एंड गेट योर आंसर यू विल गेट योर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एज 6 lakhs बाय अप्लाइंग द रूल्स अगेन दैट वी been doing since so many slides. Last but it is somewhat similar to the C1 क्योंकि इसमें भी दोनों numbers में अलग estimation apply होगी. The first number is 9250. इसकी जो highest place है वो thousands है. इस वजह से हम इसको nearest thousands round off करेंगे by focusing on the digit that is at the hundreds place. On the other hand जो दूसरा नंबर है हमारे पास उसकी जो हाईएस्ट प्लेस है वो सिर्फ टेंस है. तो ये जो राउंड ऑफ होगा वो टू नियरेस्ट टेंस पे होगा बाय फोकसिंग ऑन द डिजिट दैट इज एट वंस प्लेस. सो सिंपली बाय अप्लाइंग द रूल्स व्हेन वी एस्टिमेट वी गेट द फर्स्ट राउंड ऑफ फिगर एज 9000 एंड द सेकेंड एज 30. आफ्टर द प्रोडक्ट वी गेट द फाइनल आंसर एज 2,70,000. So, इन टाइप ऑफ questions में आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि आपको कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. रेस्ट इज इन योर हैंड्स बिकॉज यू ऑलरेडी नो द स्टेप्स फॉर बोथ द थ्री फॉर ऑल द थ्री कंसेप्ट्स. दिस इज इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.